हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.1। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। इसके अंदर हम 3 से 4 मेथड पढ़ेंगे। इसके बारे में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, रिड्यूसिंग मेथड, ठीक है, उन सभी से हम क्या करेंगे कि किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, तुम्हारे से मैं 7 times था, मेरी एज तेरी तुम्हारी एज से 7 गुना थी। वर देन आई आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, और 3 साल के बाद मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊँगा। यू विल बी रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, सिचुएशन को अलजेब्रिकली की इक्वेशंस भी बनाएंगे और उसको ग्राफ के ऊपर शो करके दिखाना है। कैसे, देखो आफ्ताब की दे रखी है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, हमने मान के चले कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर है जो, उनकी प्रेजेंट एज क्या मान ली हमने, वाई। अब हमारे पास दोनों की एज है, 7 years ago, 7 साल पहले, तो एज ऑफ आफ्ताब 7 years ago, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या थी, अब एक्स है तो एक्स माइनस 7 आ जाएगी हमारे पास। 7 years ago एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज क्या थी, वाई माइनस 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन दी है कि 7 साल पहले वह अपनी पुत्री की एज से 7 times था, 7 times था, तो अगर हम उसकी पुत्री की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। आफ्ताब की एज इज इक्वल टू 7 times ऑफ आफ्ताब डॉटर एज, एक्स माइनस 7 7y माइनस 7 7 जा 49। इसको एक्स, इसको इधर लेके आएंगे क्या आएगा, माइनस 7y, ये प्लस माइनस 49 इधर लेके आएंगे प्लस 7 49 में 7 जाएगा माइनस 42। इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास। इसी तरह सेकंड इक्वेशन क्या है, आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद वह अपनी पुत्री की एज का 3 times होगा। आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब, 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी, एक्स प्लस 3, 3 साल बाद उनकी डॉटर की एज क्या होगी, वाई प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कंडीशन क्या दी थी, 3 साल के बाद वह अपनी पुत्री की एज का 3 गुना है, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 times ऑफ इज डॉटर्स एज, एक्स प्लस 3 3y प्लस 9, 3y को इधर लेके आएंगे एक्स माइनस 3y, इसको इधर लेके आएंगे 9 माइनस 3 6। इक्वेशन नंबर 2, फिर हम इक्वेशन 2 और फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करेंगे और उनसे क्या निकाल लेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे, उनको हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू माइनस 42 इधर लेके आए प्लस 7y। फिर हम क्या निकालेंगे, टेबल बनाएंगे, y की वैल्यू हमने क्या पुट की, 5, 7 5 जा 35, 42 में से 35 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7, क्या आ गई, x की वैल्यू माइनस 7। y की वैल्यू हमने 6 पुट कर दी, यहाँ पे 7 6 जा 42, माइनस 42 प्लस 42, x क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह फिर हमने y की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, 7 7 जा 49, 49 में से 42 जाएगा 7। x और y दोनों की वैल्यू अपने पास से हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, 1 2 3 4, जो भी हमें ठीक लगे, ठीक है, या x की कर लो या y की। अब यहाँ y की पुट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू। ऐसे हमें टेबल बनानी है कम से कम 3 वैल्यूज़ के लिए। इसी तरह आपके पास सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में क्या दे रखा है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसके लिए हमारे पास x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू 3y माइनस से इधर जाएगा प्लस 3y प्लस 6। अब x और y दो हमारे पास पॉइंट है, हमने वैल्यू किसकी पुट की, y की, माइनस 2 पुट कर लेंगे, 3 2 जा 6, माइनस 6 प्लस 6 0, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। y की माइनस 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस 9, और ये प्लस 6 है, माइनस करते हैं क्या आएगा, माइनस 3। और फिर हम अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। दो कंडीशंस आ गई हमारे पास, दोनों को हम पहले ग्राफ के ऊपर शो करके दिखाते हैं, ठीक है।
देखो कैसी, ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। कार्टेशियन प्लेन पे फिर हमने डिजिट्स को ड्रॉ किया, 1 2 3 अप टू, इधर हमारे पास वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स सॉरी एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। फिर हमारे पास पॉइंट है 1 2 3 4 अप टू 8, इधर बी एस सी पॉइंट्स हमने नोट किए। फर्स्ट कंडीशन से उठाएंगे हम, एक्स की वैल्यू क्या है, -7। एक्स कहाँ है, -7, ये आपके पास -7 है। वहीं y की वैल्यू क्या है, 5। अब y पॉजिटिव ऊपर की साइड है तो ऊपर की साइड आएंगे हम यहाँ 5, इधर से ये 5 आ गया। इस पॉइंट को हमने ड्रॉ किया -7 5। नेक्स्ट है x की वैल्यू 0, x 0 कहाँ है, यहाँ पे, और y की वैल्यू 6 है, प्लस है तो ऊपर आएगी y की वैल्यू 6, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 हो गई, y की वैल्यू भी 7, ये x 7 है, इधर से y 7 लेंगे इधर, और ऐसे आएंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है 7 7 7, ठीक है। फिर हमने एक लाइन ड्रॉ की जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह से हमारे पास सेकंड क्या है, एक्स 0 वाई -2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, नीचे की साइड आएंगे, ये आ गया 0 -2, एक्स की वैल्यू -3 वाई की वैल्यू -3, एक्स हमारे पास -3 इधर है और वाई -3 नीचे, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स -3 और वाई -3। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 6 है, इस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये हमने सेकंड लाइन ड्रॉ कर दी। इसको हम क्या बोल देंगे कि हमने इसको ग्राफिकली शो किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है आपको, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स, एक क्रिकेट टीम के कोच ने क्या क्या खरीदा, 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3900। एक क्रिकेट के कोच ने 3 बैट और 6 बॉल कितने रुपए में खरीदी, 3900 में। लेट अस सी बायज अनदर बैट, फिर उसने एक बार फिर से अनदर बैट, एक और बैट एंड 2 मोर बॉल्स, और 2 और बॉल खरीदी, द सेम काइंड उसी प्रकार की, फॉर रुपीज़ 1300, वो कितने रुपए की आए, दो 1300 की। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, कैसे, मान के चल पड़े हम, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट की कॉस्ट क्या है हमारे पास एक्स, एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल, बॉल की कॉस्ट हमने क्या ली वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3 बैट हैं 6 बॉल हैं, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3900, इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू, में इधर हमारे पास क्या है, इसमें से भी 3 ले लेंगे, क्या आ जाएगा 1300, 3 से 3 कैंसिल, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज, प्लस 2y को इधर लेके आए -2y। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, अनदर बैट, एक बैट और 2 बॉल्स कितने रुपये में, 1300 रुपये में, एक बैट है x प्लस 2 बॉल्स, 2 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1300। दोनों इक्वेशन सेम है, x इज इक्वल टू ऐसे ही सेम इसको कर देंगे। अब हम एक रिप्रेजेंट करने के लिए, दोनों इक्वेशन सेम है तो हम एक बार भी बना सकते हैं इसको, x और y, x की वैल्यू या y की वैल्यू हमने क्या पुट की 500, 5 टू जा 10, क्या आ जाएगा 1000, 1300 में से 1000 जाएगा 300, y की वैल्यू 600, 6 टू जा 12, 13 में से 12 जाएगा 100, फिर 700 पुट करेंगे, 7 टू जा 14, -1400, 1300 -100, ये हमारे पास आ गए, इसको हम शो करेंगे। अब हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन है उस पर 1, 2, 3 से तो हम रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, तो इसलिए हमने किससे किया 100, 200, 300, 400, इनमें डिस्टेंस सभी की सेम है। अब हमारे पास क्या है, x 300 है, ये 300 है, y की वैल्यू 500, यहाँ y की वैल्यू 500 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 300, 500, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 600, इधर से 600 आ गया, इधर से ये आ गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया 100, 600। नेक्स्ट है x की वैल्यू -100, y की वैल्यू 700, ये पॉइंट आ गया, फिर इसको मिला, इन सभी को मिलाने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमने इसको ग्राफिकली शो किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन 8 days वॉज फाउंड टू बी ₹160। एक दिन की जब हमने एप्पल्स और ग्रेप्स खरीदे तो 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है 160। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट थी वो कितनी हो गई 300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने सेकंड किया बिल्कुल एज इट इज़, हमारे पास ये भी है, इसमें भी अब इसी तरह से करेंगे। कॉस्ट को लेट करके चलते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स क्या आई एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स क्या ले लेंगे वाई। फिर कितना हमने खरीदा 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितनी है 160। फिर आफ्टर वन मंथ क्या खरीदा 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आया 300। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दिया। अब भाई इक्वेशन फर्स्ट से हम सोल्व करेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, वाई इज इक्वल टू 160 माइनस 2x आ जाएगा। यहाँ x की वैल्यू हमने क्या पुट की 50 टू जा 100, 160 में से 100 जाएगा 60 आ जाएगा। फिर हमने 60 वैल्यू पुट की 62 जा 120, 160 में से 120 जाएगा 40। फिर हमने 70 पुट की 72 जा 140, 60 में से 140 जाएगा 20। इसी तरह सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, इधर से भी 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसल, y इज इक्वल टू 150 और इधर 2x को इधर लेके आए माइनस 2x। फिर हमने क्या किया x की वैल्यू 70 पुट की, 2 की और 70 की मल्टीप्लाई 140 माइनस 140 10। फिर 80 पुट करेंगे, 2 की और 80 की मल्टीप्लाई 160 माइनस 10 आ जाएगा। फिर 75 पुट करेंगे तो दोनों क्या आ जाएंगे 0। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राफ के ऊपर, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 60, ये पॉइंट आया, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 20, ये पॉइंट आया। तीनों को मिलाने के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ की। नेक्स्ट है x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 10, ये पॉइंट है, x की वैल्यू 80, y की वैल्यू माइनस 10 सेकेंड पॉइंट, एंड x की वैल्यू 75, 80 और 70 के बीच में आएगा ना, और y की वैल्यू क्या है 0, तो ये इसी पे होगी हमारे पास, ये 0 हो गया। इसको हम ड्रॉ करेंगे, हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन सेकंड। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। ओके, थैंक यू।